द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, एक बार फिर से बॉयकॉट गैंग जो है वो एक्टिव हो गया है और अब इस बॉयकॉट गैंग का अगला टारगेट जो है वो आदि पुरुष है। आदि पुरुष बॉयकॉट ट्रेंड का सामना कर रहा है। लगातार फिल्म आदि पुरुष को लेकर विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इस दौरान आदि पुरुष का एक नया पोस्टर शेयर किया गया। उस पोस्टर पर फिल्म मेकर्स के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। ये कहा गया है कि इस पोस्टर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिंदू भावनाओं को आहत करती हैं और ये बिल्कुल सही नहीं है। लगातार जमकर सोशल मीडिया पर उसका बायकॉट किया जा रहा है और उसके खिलाफ जो है तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। पूरा मामला आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस तरह की चीजें फिल्म पठान के साथ भी आई थी और उससे पहले भी कई चीजों, कई फिल्मों को लेकर इस तरह के बायकॉट और इस तरह की चीजें जो है वो सामने आई है। फिल्म आदि पुरुष को लेकर के क्या कुछ विवाद हो रहा है, फिल्म मेकर्स पर फिल्म को लेकर के हिंदू भावनाएं आहत करने को लेकर के FIR भी दर्ज करा दी है, क्या कुछ कहा गया है आपको बताते हैं। जनसत्ता की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर में लिखा है, न सीता ने लगाया सिंदूर न राम ने पहना जनेऊ। आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत के खिलाफ FIR दर्ज। नया पोस्टर आते ही फिर शुरू हुआ विवाद। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि सीता ने ना सिंदूर लगाया है और ना ही राम ने जनेऊ धारी किया है, तो ये हमारी भावनाओं को आहत करती है, ये चीजें सामने आ रही हैं। खबर में आगे लिखा है, साउथ सुपरस्टार प्रभास और कृति सेनन स्टारर फिल्म आदि पुरुष अब एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। हाल ही में फिल्म का नया पोस्टर रिलीज हो गया है जिसमें भगवान श्री राम के रूप में प्रभास और कृति सेनन मां सीता का लिबास पहने नजर आ रही थी। हालांकि इस पोस्टर के सामने आने के बाद एक बार फिर से आदि पुरुष को लेकर विवाद शुरू हो गया है। विवाद की मुख्य वजह यह बताई जा रही है कि सीता की मांग में सिंदूर नहीं है और राम जी ने जनेऊ धारी नहीं किया है, जनेऊ नहीं पहना है, जो कि हमारी भावनाओं को आहत करती है और ये हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है, उनका मजाक बनाया जा रहा है, तरह की चीजें जो हैं वो कही गई हैं। आगे खबर में देखिए लिखा है, फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत और प्रोड्यूसर भूषण कुमार के साथ साथ मूवी की कास्ट के खिलाफ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करा दिया गया है। सनातन धर्म के संत संजय दीनानाथ तिवारी ने मुंबई के साकीनाका पुलिस स्टेशन में मुंबई हाईकोर्ट के वकील आशीष रॉय और पंकज मिश्रा के जरिए एक शिकायत दर्ज करवाई है। उस शिकायत में उन्होंने तरह तरह की बातें कही हैं। इसी के साथ एक FIR भी लॉन्च किया गया है सभी के खिलाफ और कहा गया है कि आपने हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने का काम किया है। अब जिसने शिकायत की है वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर वो भी आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दीनानाथ तिवारी नाम के एक शख्स ने एडवोकेट आशीष राय और पंकज मिश्रा के माध्यम से आदि पुरुष के मेकर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में उन्होंने कहा है कि आदि पुरुष के मेकर्स ने हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस के पात्रों को अनुचित वेशभूषा में दिखाया है जिसके कारण हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। तो यहां पर ये बातें कही गई हैं। इसी के साथ इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता ने यहां पर यह भी दावा किया है कि रामायण के सभी पात्र जनेऊ धारण करते थे जिसकी हिंदी सनातनी धर्म में एक अलग महत्ता है, लेकिन पोस्टर में किसी भी पात्र ने जनेऊ नहीं पहना है। कृति सेनन जो माता सीता का किरदार निभा रही हैं, उन्होंने सिंदूर नहीं लगाया है। तो मुख्य वजह जो है वो यही बताई जा रही है कि किसी ने भी जनेऊ धारण नहीं किया है। पोस्टर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे और कहा जा रहा है कि माता सीता ने सिंदूर नहीं लगाया। तो ये तरह तरह की चीजें जो है वो निकल करके सामने आ रही है। हालांकि इससे पहले भी फिल्म विवादों में फंस चुकी है अपने VFX को लेकर और तमाम चीजों को लेकर। एक बार फिर से विवाद जो है तेजी पकड़ता जा रहा है और सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर तरह तरह की बात कह रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फिल्म में जो हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं उनको लेकर भी तरह तरह की बातें कही हैं। कई लोग कह रहे हैं उनका लुक जो है वो हनुमान जी से मैच नहीं होता है। कई लोग ये कह रहे हैं कि दाढ़ी और मूछ नहीं दी गई। कई लोग ये कह रहे हैं कि दाढ़ी दी गई है तो मौलाना जैसी दी गई है, ये हनुमान जी कम मौलाना जी ज्यादा लग रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो है वो कही गई है। हनुमान जी के किरदार को लेकर जो विवाद सामने आ रहा है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये खबर देखिए जिसमें जिसने शिकायत की है आदि फिल्म के पोस्टर के खिलाफ उनका क्या कुछ कहना है।
यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सीता को अविवाहित महिला की तरह दिखाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि मेकर्स ने यह सब जानबूझकर किया है, ये सनातन धर्म का अपमान है और इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि मुंबई के साकिनाका पुलिस स्टेशन में आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत और भूषण कुमार सहित पूरी टीम के खिलाफ आईपीसी की धारा 295A, 298, 500, धारा 34 के तहत केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले रामनवमी के मौके पर मेकर्स ने फिल्म का पोस्टर जारी किया था और इसी के क्रम में मेकर्स ने हनुमान जयंती पर बजरंग बली का एक पोस्टर शेयर किया है। इसमें ऑडियो भी है और लुक भी है, जिसे देखकर लोग सोशल मीडिया पर भड़क रहे हैं। अब क्यों भड़क रहे हैं वो आपको बताते हैं। यहां पर खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप उनकी तस्वीर भी देख रहे हैं, वो पोस्टर भी देख रहे हैं जिसमें हनुमान जी ध्यान लगाते हुए दिख रहे हैं। ये फिल्म का किरदार, फिल्म में हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं, जिनको लेकर अलग अलग तरह की बातें कही हैं। इसमें लिखा है, हनुमान जयंती पर आदि पुरुष मेकर्स ने शेयर किया बजरंग बली का पोस्टर, ऑडियो लुक देखकर फिर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स। अब इसके पीछे की भड़कने की वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं। इसमें लिखा है, हनुमान जयंती पर आदि पुरुष मेकर्स ने सोशल मीडिया पर बजरंग बली का एक पोस्टर शेयर किया। पोस्टर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पोस्टर में बजरंग बली के किरदार में देवदत्त नांगे ध्यान लगाए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर के बैकग्राउंड में प्रभास को बतौर प्रभु राम दिखाया गया है। इस पोस्टर को शेयर करते हुए कृति सरन ने लिखा है, राम के भक्त और राम कथा के प्राण जय पवन पुत्र हनुमान। यहां पर अब सोशल मीडिया यूजर्स क्यों भड़क रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। सोशल मीडिया यूजर्स एक बार फिर बजरंग बली के लुक पर भड़क गए हैं, जो इससे पहले फिल्म के टीजर के वक्त देखने को मिला था। सोशल मीडिया पर पोस्टर पर कई ऐसे कमेंट देखने को मिल रहे हैं जहां इस पोस्टर और फिल्म पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लग रहे हैं। एक इंटरनेट यूजर ने लिखा है, लंबी दाढ़ी और बिना मूंछ के हनुमान, मजाक उड़ाया जा रहा है। एक और ने लिखा है, सच कहूं तो बहुत बुरा है, माफी, लेकिन हनुमान जी नहीं मौलवी जी लग रहे हैं। तो इस तरह के कमेंट जो हैं वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं इस फिल्म को लेकर, फिल्म के पोस्टर को लेकर और फिल्म के किरदारों को लेकर। तो एक बार फिर से एक फिल्म को लेकर जो है भगवा गैंग बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहा है और उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। जैसे पठान को लेकर क्या था, पठान को लेकर भी कई तरह की बातें की गई थी, लेकिन पठान ने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में ही अपना नाम रोशन किया और किस तरीके से अपने नाम एक नया खिताब हासिल कर लिया। अब फिल्म आदि पुरुष का बायकॉट करने को लेकर क्या परिणाम निकलते हैं ये तो देखना होगा, लेकिन आपको बता दें कि इस तरह के बायकॉट जो हैं वो पहले भी कई फिल्मों को लेकर किए गए हैं। आपको याद होगा दीपिका पादुकोण की फिल्म पद्मावत, उसको लेकर कई तरह का बवाल हुआ, कई तरह का हंगामा हुआ, करनी सेना सड़कों पर उतरी, कई तरह के संगठन सड़कों पर उतरे और ये तक कहा कि हम फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे, यहां तक कि उसके सेट पर भी जो है हंगामा किया और उनके डायरेक्टर तक को मारा पीटा। लेकिन उसके बाद फिल्म पद्मावत रिलीज हुई और उसके बाद किस तरीके से फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की। अब आदि पुरुष को लेकर जो चीजें कही जा रही हैं, जिन चीजों को विवाद की जड़ बताया जा रहा है कि सीता मैया ने अपने मांग में सिंदूर नहीं लगाया, राम जी ने जनेऊ धारण नहीं किया, किसी भी पात्र ने जनेऊ धारण नहीं किया, ये सब चीजें लेकर जो कही जा रही हैं, अब देखना ये होगा कि आगे चलकर इसका क्या परिणाम निकलता है। फिल्म आदि पुरुष को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से ट्रोलर्स फिल्म को ट्रोल कर रहे हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप इस फिल्म को लेकर, इस पोस्टर को लेकर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।